बकिया वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करें, रहम टीवी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, शुक्रिया। असल में कशफ की दो किस्में हैं, एक कशफ कौनी है, एक कशफ इलाही है। अच्छा, कशफ कौनी का मतलब जो इस कायनात के हवाले से कशफ होते हैं जी, जी। के दूर का करीब का, तो ये दूर की चीज करीब नजर आ गई, जैसे हम जो दूरबीन के जरिए से देखते हैं जी, जी। तो दूरबीन से दूर की करीब नजर आती है। बिल्कुल, तो ये कशफ कौनी जो होती है इसमें ये जमीन के रास्ते सिमट जाते हैं। अच्छा, वो जो इंसान देखता है तो सारे हायल सिमट जाते हैं और आंखों के सामने सामने देख रहा चीज। जैसे खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह तबारक व तआला ने बैतुल मुकद्दस सामने दिखा दी थी, वो कशफ ही तो था कि आपने निगाह उठाई, सामने बैतुल मुकद्दस है, आप देख देख के एक ही चीज का जवाब दे रहे हैं। ऐसे औलिया कामिलीन को अल्लाह तबारक व ताला कशफ कौनी देते हैं कि इस कायनात के जो उमूर हैं ये सिमट कर इनके सामने आ जाते हैं। अच्छा, जब बहुत से औलिया कामिलों के ऐसे ऐसे जो वो कुशूफ हासिल थे कि बैठे यहाँ पर हैं और कशफ की निगाह से देख रहे हैं दूसरी दुनिया के कोने पे और देख के एक ही चीज की इतला कर रहे हैं कि ये चीज़ है, अब ये चीज़ है, अब ये चीज़ है, तो ये कशफ कौनी। दूसरा कशफ इलाही है, कशफ इलाही का मतलब अल्लाह अपनी ज़ात सिफात के हवाले से या तसव्वुफ सुलूक के हवाले से जो असरार रुमूज हैं वो खोल देते हैं, उसका कशफ हो जाता है कि यार ये तसव्वुफ सुलूक के अंदर ये जो राज है, ये जो उसूल है, इसकी हकीकत क्या है। इवन है कि कुरान करीम की तिलावत ये भी करता है और एक दूसरा शख्स भी करता है, लेकिन दोनों में आसमान जमीन का फर्क होता है कि पहला दूसरा शख्स जो तिलावत कर रहा है वो निरा एक मजमून तिलावत कर रहा है जी। लेकिन जब ये शख्स जिसको कशफ इलाही जिस पर खुल जाता है वो कुरान करीम की जब तिलावत करता है तो उसके हकायक और मारिफ इस पर खुलते हैं, उस आयत के एक एक आयत के मतलब के ऐसे ऐसे राज उस पर खुलते हैं जो किसी दूसरे आलिम पर खुलते नहीं है। ये वो कशफ इलाही, तो अल्लाह तबारक व ताला अपनी ज़ात और सिफात के हवाले से असरार इस पर खोल देते हैं और वो फिर ये उसके तरीका कभी ख्वाबों के जरिए होता है, जैसे मैंने बताया कि ख्वाब में अल्लाह तबारक व ताला वो चीज खोल दें। अच्छा, हाँ अच्छा, ख्वाब फिर बेदारी का भी होता है कि बेदारी में ख्वाब देख लिया जी। ये सारे मनाजिर जो नजर आ रहे मिट जाते हैं और वो मंजर नजर आता है, जैसे हम टीवी देख रहे हैं जी। अब टीवी देख रहे हैं या 3D देखते हैं, 3D में चश्मा लगा के बैठ जाते हैं तो ऐसे लगता है खुद उसका हिस्सा है जी। तो ये कैफियत तो बेदारी के अंदर, वो ख्वाब के अंदर वो सारे असरार रुमूज हासिल कर रहा होता है, तो उसको ये कैफियत आज हासिल होती है। इसी तरीके से वो कशफ कौनी के अंदर वो आंखों के जरिए से सब कुछ देखता नजर आता है। तो ये सारे अहवाल हैं कि जो इस रास्ते के अंदर सालिक को पेश आते हैं। अच्छा, माशाल्लाह।